Hello students, in our previous video we have learned about minerals, definition of minerals, classification of minerals. Now we are going to read about some specific minerals. Kuch vishesh minerals ke baare mein hum ek ek karke padhenge. Chapter 10 SS Major Minerals of India. इंडिया के अंदर जैसे हमने बताया प्रकृति का बहुत वरदान है, बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल है इंडिया के अंदर उसको पहले पढ़ते हैं, दैट इज़ आयरन. आयरन को मोस्ट इम्पॉर्टेंट मिनरल क्यों कहते हैं? बिकॉज इट इज़ बेसिक पिलर ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्रियल इकोनॉमी. हमारी जितनी भी अर्थव्यवस्थाएँ चलती है, जितनी भी मशीन्स बनती हैं वो आयरन से बनती है. जितनी भी बिल्डिंग बनती हैं उसमें लोहे का सरिया और बहुत सारे आयरन की चीज़ों की आवश्यकता हमें हमेशा होती है, हमको नहीं पूरे विश्व को. इसके लिए आयरन को रीढ़ की हड्डी कहा गया है, बेसिक पिलर कहा गया है मॉडर्न इंडस्ट्री का. तो ये आयरन जो है हमारे इंडिया में बहुत अच्छी मात्रा में मिलता है, और ये जो आयरन मिलता है ये इग्नीशियस रॉक्स के अंदर पाया जाता है. आग्नेय चट्टाने जो होती है, हमने टाइप ऑफ रॉक्स पढ़े थे, इसमें इग्नीशियस टाइप की रॉक्स में आयरन का डिकम्पोजिशन आयरन के ओर हमको मिलते हैं. इंडिया वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है. फर्स्ट तो सबसे रशिया है, सेकेंड विश्व के अंदर भारत का दूसरा स्थान आता है इसका प्रोड्यूस करने में. आयरन ओर फाइव टाइप्स के इंडिया में पाए जाते हैं, जिसमें सबसे अच्छा टाइप है मैग्नेटाइट, फिर हेमेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट. ये पांच टाइप के आयरन ओर पाए जाते हैं इंडिया के अंदर. इनकी क्वालिटी के आधार पर, इसमें निकलने वाले आयरन की मात्रा के आधार पर हम इनको चार पाँच भागों में बांटते हैं. मैग्नेटाइट हमारे यहाँ पे 60-70% डिकम्पोजिशन मतलब मिलता है, और हेमेटाइट मिलता है 70-80%. दिस इज इन गुड काइंड ऑफ आयरन ओर, वी कैन से दैट. बाकी ये लिमोनाइट, सिडेराइट और लेटेराइट थोड़े इन्फीरियर क्वालिटी का आयरन ओर होता है. हम यहाँ पर लगभग 23 करोड़ टन आयरन प्रोड्यूस करते हैं, और ये लगभग होता है 20% ऑफ वर्ल्ड प्रोडक्शन. विश्व जितना, पूरा विश्व के बाकी हिस्से इंडिया के अलावा जितना प्रोड्यूस करते हैं उसका 20% हम यहाँ पे इंडिया में इसको हम खोद करके निकालते हैं और आयरन का प्रोडक्शन होता है. आयरन के प्रोडक्शन के अंदर अगर कोई सबसे पहला स्टेट है तो वह है ओडिशा. ओडिशा पूरे इंडिया का 30% आयरन का प्रोडक्शन करता है, इसके पास 30% रिजर्व हैं, और इसमें से 28% का प्रोडक्शन करता है हमारे देश में. यहाँ पर हेमेटाइट करके जो लोहे का ओर मिलता है, जो सबसे अच्छी क्वालिटी का है, ये मिलता है मयूरभंज के अंदर और सुंदरगढ़ में और केओंझगढ़ में, ठीक है. और यहाँ से जापान एक्सपोर्ट किया जाता है इसी आयरन ओर को, और ये जाता है विशाखापट्टनम और पारदीप सी पोर्ट के थ्रू यहाँ से एक्सपोर्ट किया जाता है, ठीक है. तो हम न कि हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, बल्कि हम क्या करते हैं, विदेशों को भी यहाँ से आयरन ओर एक्सपोर्ट करते हैं. सो आयरन के अंदर हम थोड़ा आत्मनिर्भर हैं. सेकंड चलते हैं हम यहाँ पर कर्नाटका, दूसरा स्टेट जो आयरन ओर के अंदर काफ़ी अच्छा है. इसके पास 25% रिजर्व है और 26% ये प्रोडक्शन भी करता है. इस हमारे टोटल प्रोडक्शन का 26% कर्नाटका की हेल्प से मिलता है. यहाँ पर भी हेमेटाइट करके जो आयरन ओर अच्छा मिलता है, जिसमें बेल्लारी, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग और सिंगमोग यहाँ करके कुछ जगह हैं, यहाँ पर ज़्यादा मिलता है. और यहाँ पर भद्रावती और विजयनगर करके जो फैक्ट्रियाँ हैं, यहाँ पर इसकी रिफाइंड किया जाता है, इस आयरन ओर से आयरन को रिफाइन करके निकाला जाता है. आगे है छत्तीसगढ़ के अंदर इंडिया के जितना भी रिजर्व है उसका 16% रिजर्व उसके पास पड़ा हुआ है, उसकी अर्थ के अंदर, वहाँ धरती में है. और जितना भी प्रोडक्शन होता है उसका 15.02% प्रोडक्शन का सारी जिम्मेदारी छत्तीसगढ़ उठा रखी है. और यहाँ पर हेमेटाइट करके जो अच्छी क्वालिटी का लोहा मिलता है, यहाँ पर बस्तर की पहाड़ियों में, दुर्ग में और दांतेवाड़ा में, बिलासपुर के अंदर, यहाँ पर इन जगहों के अंदर, इन डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर मिलता है. रिफाइन करने के लिए इसको भिलाई भेजा जाता है, जो बहुत बड़ा प्लांट है. और बेल्लाडीला करके जो माइंस है इसी के अंदर, वो एशिया की सबसे बड़ी माइंस कहा जाता है. सबसे बड़ी माइंस बेल्लाडीला यही है. और इसके बाद आगे आता है फोर्थ स्टेट, जिसका नाम है गोवा. इसमें 13.15% रिजर्व होता है, और
इसमें एक्सपोर्ट करने के लिए मारम गोवा, जो गोवा का एक सी पोर्ट है, वहाँ से वहाँ के थ्रू जाता है। यहाँ इतनी अच्छी क्वालिटी का आयरन नहीं मिलता है, यहाँ इन्फीरियर क्वालिटी के आयरन और मिलते हैं, लिमोनाइट, सीडराइट, लेटराइट। झारखंड वापस बात करते हैं, फिफ्थ बड़ा लार्जेस्ट स्टेट टू एक्सपोर्ट आयरन ओर। ये 10% इसके पास रिजर्व है और ये जो है कुलती, बुरानपुर ऐसी जगहों से यहाँ से प्रोडक्शन होता है इसका। और यहाँ पहली बार, ये फर्स्ट स्टेट था जिसने पहली बार आयरन को निकाला, आयरन ओर को एक्सट्रैक्ट या माइन करने का काम यहाँ पर किया गया था। हालांकि ये फिफ्थ रैंक पे आता है प्रोडक्शन के अंदर, लेकिन यहाँ पर पहली बार माइनिंग का काम आयरन ओर का शुरू किया गया था। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में भी बहुत अच्छा है, आयरन ओर बहुत ज़िलों में मिलता है, जिसमें अजमेर, अलवर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, झुंझुनू, राजसमंद, सिरोही और उदयपुर के ज़िलों में भी बहुत सारी जगहों पर भी आयरन ओर का प्रोडक्शन होता है, आयरन ओर को माइनिंग करके निकाला जाता है। ये था हमारे आयरन ओर के बारे में। आगे वाले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कॉपर, जो सेकंड अच्छा हमारे पास ओर है, सेकंड लार्जेस्ट है, इसके लिए हम सेकंड उसमें कॉपर के बारे में पढ़ेंगे। थैंक यू।